तो अब मैं जा रही हूँ स्टॉप एंड शॉप। ये ग्रॉसरी स्टोर है, ये स्टॉप एंड शॉप बहुत ही अच्छा स्टोर है। ये थोड़ा सा महंगा है दूसरे ग्रॉसरी स्टोर्स के मुकाबले में, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बहुत ही फ्रेश और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज होता है, इसलिए मुझे ये स्टोर बहुत ही अच्छा लगता है। तो हर चीज़ के अलग से यहाँ पे पोर्शन है होते हैं ग्रॉसरी स्टोर में, जैसे सामने मीट एंड सी फूड, डेली किचन एंड बेकरी। तो ये मुझे मिल गई केल। और ये है कैरेट्स रैबिट के लिए। तो ये ग्रॉसरी स्टोर में पेट्स का एक पोर्शन होता है, जैसे ये ऑयल्स 12 है। यहाँ पे हर तरह की पेट्स का फूड है और सप्लाइज है, जैसे ये लिखा हुआ है पेट सप्लाइज ऑयल्स 12 में। तो हर ग्रॉसरी स्टोर में एक पोर्शन ज़रूर बनाते हैं ये लोग, और हर तरह की यहाँ पे फूड होती हैं, और जैसे ये टॉयज़ हैं और हर तरह की बेडिंग, इनकी पेट्स की बेडिंग भी होती है, इनके टॉयज़ भी होते हैं। यहाँ पे टेक केयर बहुत ज़्यादा होती है पेट्स की। ये राइट लेफ्ट दोनों साइड्स पे इनकी डिफरेंट तरह का फूड और सप्लाइज और बेडिंग बहुत कुछ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं रैबिट के लिए ड्राई फ्रूट लूँगी, क्योंकि ये यहाँ पे है ये वाला। तो ये जो मेरे पास जो रैबिट है वो ये बहुत ही ज़्यादा शौक से खाता है, तो ये उसकी फूड है, ये मैं लेती हूँ। एक तरह से वाइटामिन भी होते हैं, इसको वाइटामिन भी बोला जाता है। और ये इसकी जो है हे है, जैसे घास होती है, तो ये भी शौक से खाता है। और वैसे तो मैं इसकी बेडिंग भी लेती होती हूँ, लेकिन बेडिंग मेरे पास है तो मैं सिर्फ इसकी फूड लेने के लिए आई हुई थी। जब मैं रैबिट की चीज़ें लेने आई तो मुझे अपनी भी बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी याद आ गई, तो मैंने वो अपने लिए भी काफ़ी चीज़ें उठा ली थी। आप लोगों के साथ भी क्या ऐसे होता है कि जब आप कोई एक चीज़ लेने जाएं तो आपको 10 और चीज़ें याद आ जाती हैं कि ये ख़त्म हुआ हुआ है? मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है कि मैं कोई एक चीज़ लेने जाऊं तो मुझे साथ में और चीज़ें देख के याद आ जाती हैं, ओ ये भी मैंने लेनी थी, ये भी लेनी थी। तो ये हॉलोवीन है, हॉलोवीन आने वाली है, तो उसकी वजह से स्टोर्स में भी हर जगह पर हॉलोवीन का भी सामान आया हुआ है। सीज़नल यहाँ पे जैसे ही कोई सीज़न शुरू होता है, जैसे थैंक्सगिविंग हो गया या फिर क्रिसमस हो जाती है या हॉलोवीन, जब भी कुछ स्टार्ट होता है तो उसके लिहाज से हर स्टोर पे चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी अब जैसे हॉलोवीन आने वाला है, तो यहाँ पे फॉल और हॉलोवीन का जो डेकोरेशन है ना वो सारी आना शुरू हो जाती है। ये थी ग्रॉसरी जो मैं लेके आई थी, वैसे इसमें रैबिट का सामान भी है, लेकिन मुझे कई चीज़ें और याद आ गई जो ख़त्म हुई हुई थी, तो वो भी मैं ले आई। वैसे इसका रैबिट का जो फेवरेट, सबसे ज़्यादा फेवरेट फूड है वो है केल। और ये मैंने इसकी बेडिंग चेंज की है, साफ़ किया है इसके केज को। तो वैसे ये जो मैं जो चीज़ें इसको देती हूँ उसमें से हे, केल और ये ड्राई फ्रूट और साथ में कैरेट है, जो कि सबसे ज़्यादा ये शौक से खाता है, सबसे ज़्यादा शौक से ये केल खाता है। जब मैं ये केज को साफ़ करती हूँ तो मुझे बहुत तसल्ली होती है, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही बड़ा कोई काम हो गया हो। और ये इसकी वाटर बॉटल है, जो कि मैं चेक करती रहती हूँ कि कब ख़त्म हो रही है, तो मैं इसको फिलअप कर देती हूँ। तो अब मैं डालने लगी थी इसको केल। अच्छा, जब ये केज में हाथ डालें तो ये काटता है। इसको 3 साल हो गए हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि ये अभी तक इतना डरता क्यों है। पता नहीं सबके साथ सबके रैबिट इसी तरह के डरपोक हैं या पता नहीं ये सिर्फ है। तो केज के अंदर हाथ डालें तो ये काटता है, लेकिन अगर इसको पकड़ के बाहर पकड़ के बिठा दें या फिर इसको होल्ड कर लें तो फिर ये नहीं काटेगा।
मैं पेट रखने की कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा बेटा है उसने उसको बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, बल्कि ये कह लेंगे क्रेज़ था कि उसने कोई ना कोई पेट लेना है। और उसने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था कि मुझे डॉग लेके दें, मुझे डॉग लेके दें या कैट लेके दें। तो मुझे लगा उनकी टेक केयर बहुत ज़्यादा होती है, उसकी टेक केयर मैं नहीं कर सकूँगी। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है रैबिट की, तो रैबिट लेके दे सकती हूँ, लेकिन डॉग या कैट मैं नहीं ले सकती क्योंकि मैं उसकी टेक केयर नहीं कर सकूँगी। तो फिर हमने फिर ये रैबिट लिया था और इसका नाम है पॉपी। तो इसको दिन में एक या दो दफ़ा केज से बाहर भी निकालते हैं ताकि ये थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले और या फिर थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए। लेकिन होता ये है कि ये ज़्यादातर डरता रहता है और कोनों में और सोफे के नीचे इस तरह से डर डर के पीछे ही घुसा रहता है। और एक इसकी बहुत बुरी आदत है कि ये मोल्डिंग को खाना शुरू कर देगा या फिर वायर्स जो होती है ना, तारें वगैरह, वो खाना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।